जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट 10 ईयर पेपर्स के विश्लेषण या फिर एनालाइजेशन शुरू हो चुका है। क्रैश में या लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि कैसे पढ़ाई करें, तो मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। टॉपिक वाइज 10 ईयर पेपर्स को उठा रहे हैं, आज लेके आए हैं NDA 2 2022 के क्वेश्चंस, जिससे आपके सारे टॉपिक एक साथ में कवर हो जाएंगे। लास्ट मिनट में आई थिंक यही एक रामबाण इलाज होता है। अगर कोई बोल रहा है पढ़ा देंगे तो फिर गलत बोल रहा है। तो आज आपके लिए पॉलिटी के सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं उसको एनालाइज करेंगे और कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है जी, इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी विश्लेषण या फिर 10 ईयर पेपर्स के एनालाइजेशन चल रही है, प्लीज फॉलो करिए। कुछ भी डाउट है कमेंट करिए, क्योंकि पूछने से ही क्लियर होगा। नंबर और वेबसाइट नीचे है, आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो भी डिटेल्स हैं आप पता कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर कुछ भी चीजें चाहते हैं तो टेक्नोलॉजीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, उससे क्या करेगा हमें पता चल जाएगा कि क्या रुझान आ रहे हैं और हमें कहाँ पे काम करना है। 10 ईयर पेपर्स अभी आपके लास्ट मोमेंट्स में, अगर आप हर दिन 50 या 100 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो 20 दिन में आप कहां तक पहुंच जाएंगे आप खुद ही जान सकते हैं। और ये आसान है, क्योंकि 24 घंटे का टाइम है आपके पास, 100 क्वेश्चंस तक तो आप पहुंच ही सकते हैं, क्योंकि देर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी और सम ऑफ द क्वेश्चंस विच रिक्वायर सम ऑफ द टॉपिक डिस्कशंस जो कि हम आपको दे रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, पॉलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, आप डेट्स देख सकते हैं, आपके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पे है, बोल देता हूं 9837229049। मानस डिफेंस एकेडमी से भी सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और गूगल में, और मानस स्टडीज से भी सर्च करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक ही बात है, फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, डिफेंस की तैयारी, साथ ही साथ Academics, NEET, JEE आपको वन स्टॉप सेंटर में मिल जाता है। सो यू नीड टू सी द बेनिफिट, कम साधनों में ज्यादा आउटकम देखिए, ना कि ज्यादा साधनों में ज्यादा ही आउटकम, वो तो ईजी है। फौज में भी यही कहा जाता है दैट यू नीड टू हैव एन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। सो मानस डिफेंस अकेडमी या मानस स्टडीज एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे आपको हर चीजें मिलती है। तो जो भी बच्चे 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, और अलग अलग फील्ड में, रेस्पेक्टिव फील्ड में, आज के डेट में नीट जेई एनडीए ही चल रहा है, इसमें डिसाइड करना चाहते हैं, साथ ही साथ 11 12th कैसे करें ये भी सोचना चाहते हैं, 10th तक की पढ़ाई कैसे करें ये भी सोचते हैं, मिलिट्री स्कूल्स या फिर रेजिडेंशियल स्कूल्स के प्रोग्राम्स के बारे में प्रिपरेशन कैसे करें, सैनिक स्कूल हो गया, RMS हो गया, RMSE हो गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन सब के बारे की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे वापस जाते हैं। Who among the following is the chairperson of Goods and Services Tax GST Councils की chairperson, जो chairperson का मतलब director ही हो गया, chairperson का मतलब head ही हो गया, एक ही बात है, वो कौन है, वो definitely है Prime Minister of India, नहीं जी, ये तो chairperson है नीति आयोग का, जो planning commissions में change, planning commission से change होकर नीति आयोग में चले गया था। नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ये डिसीजंस नहीं ले सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रांग बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है और इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है, और डायरेक्टली जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजिडेंट से अपॉइंट होती है या प्रेजिडेंट को ही रेस्पॉन्सिव होती है। ठीक है जी, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, हो गया टॉपिक खत्म। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यस दिस इज योर राइट आंसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो हो ही नहीं सकता और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो भैया वहां ये जीएसटी के काउंसिल के चेयरपर्सन थोड़ी ना होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, जीएसटी पूरा इनडायरेक्ट टैक्स को एक कर दिया, इसमें हमने कुछ चीजें डिपार्टमेंट को हटा दिया, एल्कोहल, बच्चे खुश हो रहे हैं, नहीं, स्टडी पे ध्यान दीजिए, एल्कोहल, पेट्रोल और कुछ ऐसी चीज है जहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा हो और अलग अलग स्टेट्स के से अलग अलग टैक्स रखने से हमको ज्यादा फायदा हो, उनको हमने इस ज्यूरिसडिक्शन से, इस बाउंडेशन से अलग कर दिया। उसके अलावा लगभग लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एकजुट करके एक ही टैक्स में हर स्टेट में लगवा दिया।
हाँ उसके लिए कुछ कंपनसेशन हमने जरूर दिया, क्योंकि जो गरीब स्टेट है, माइंड मत करिएगा बट दैट्स द रियलिटी, या फिर जहां साधन पूरे नहीं है वहां को हमको देखना पड़ेगा, और जो धनी स्टेट्स है वहां के लिए हमको बैलेंस मिलाना पड़ेगा। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट हियर। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइडेड है, अदरवाइज जीएसटी का एक प्रोविजन हम यहां पे लेके आए थे, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायती राज सिस्टम पे बेस्ड है। पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, काउंसिल ऑफ फाइव ऑफिशियल्स, ज्यादातर ये रूरल एरिया में होता है, सब अर्बन या अर्बन एरिया में म्यूनिसिपालिटीज होती हैं, किस शेड्यूल में गिरता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम में म्यूनिसिपालिटीज आती है, कुछ रिसर्च आप भी कर लीजिए, और कितने शेड्यूल है, चलो बता देता हूं शेड्यूल कितने होते हैं, 12 शेड्यूल है। तो पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपालिटीज किस में गिरते हैं, और ये शेड्यूल क्या होता है, ये शेड्यूल वो होता है जो लेफ्ट ओवर चीजें रही, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे अलग सा नहीं आ पाए, तो इसको शेड्यूल में हमने रख दिया, और ये हाईलाइटिंग पॉइंट में भी चले गए, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, 12 शेड्यूल्स हैं, पढ़ लीजिएगा, बताइए पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपालिटीज किस शेड्यूल में गिरते हैं। सो पंचायती राज सिस्टम हमने अभी बात की, किस चीज में, काउंसिल ऑफ फाइव ऑफिशियल्स, राइट, म्यूनिसिपालिटीज होती है अर्बन सब अर्बन एरिया में, पंचायती राज सिस्टम होता है रूरल एरिया में, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर प्राइमरीली द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, नो फेडरल गवर्नमेंट, नो क्वासी गवर्नमेंट, नो इट इज अ सेल्फ गवर्नमेंट, वो खुद एक डिसीजन लेती है, छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करती है, अदरवाइज फिर वो आ जाता है आपका जुडिशियल जुरिस्डिक्शंस के अंदर। ठीक है, तो पंचायत भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, और इट्स गुड, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, लाइक सेल्फ डिसीजन मेकिंग, हाँ कानून से अलग नहीं जा सकते, बट जो केसेस में कानून की ज्यादा इतनी देख रेख करने की जरूरत नहीं, उसको ऑब्वियसली इजीली वो सेटल डाउन कर सकते हैं, जैसे अगर सिमिलर ना भी बोले तो जैसे डीएम वगैरह हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, वहां पर छोटा मोटा केसेस को फाइंड माइंड देके हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज सारे केसेस को सॉल्व करते रहेंगे तो फॉर ऑब्वियस रीजंस दिक्कत हो जाएगी। फेडरल, हम कौन से फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, यूनियन इन फेडरल स्पिरिट या फेडरल इन यूनियन स्पिरिट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट को हमेशा ना यूपीएससी इटैलिक या फिर अंडरलाइन में कर देता है, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा नॉट को नहीं देखते और क्या पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट नहीं देखा तो कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन पूरा गड़बड़ी हो गया, नॉट, और हमेशा कंफ्यूज करेगा ये, क्योंकि फ्लो में तो आप यस यस में आ रहे हैं और यहां पर नॉट आ गया, तो कौन सा कमीशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये हमेशा रहेगा और ये आपके शेड्यूल में भी है, तो इसलिए पढ़ लीजिए जो 12 शेड्यूल है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, क्योंकि हमने माइनॉरिटीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एक स्पेशल प्रोविजन दिया है। ठीक है, ट्राइबल्स एरियाज को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे धरोहर है लैंग्वेज को, क्योंकि इसको प्रिजर्व करना जरूरी है, यही तो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, इनको हम लूज कैसे कर सकते हैं, इसीलिए इस पे कमीशंस भी बैठती है, प्रेसिडेंट खुद कमीशन अपॉइंट करता है, लैंग्वेज की कमीशंस हर 5 साल में अपॉइंट करता है, sometimes he doesn't, but obviously वो advisory commissions होती है, लेकिन just कहने का मतलब ये है कि ये important part है, और ये जो तीनों है ये constitutional body है, National Commission of Women नहीं है, तो इसीलिए नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है, तो है ये नहीं है, ये statutory body है, statutory मतलब वैधानिक, संविधानिक और वैधानिक, सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, क्या कह रहा है पढ़ लीजिए, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW इज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली कंसर्न विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वीमेन। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 31 January 1992 अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, वहां से इसको एस्टैब्लिश किया गया 1990 के फॉर्मेट से, इसको एस्टैब्लिश किया 92 में,
कोई भी पॉलिसी है जो अफेक्ट करता है इन द मैटर ऑफ वुमेन, तो डेफिनेटली वो एक एडवाइजरी बॉडी जारी करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर हियर। कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एपेक्स कोर्ट क्या होता है? एपेक्स मतलब वोकैब में पिनाकल, टॉप, समिट, बेस्ट, जो भी है। तो ये हो गया हमारा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल होती है, अपैलेट होती है, एडवाइजरी होती है, एडवाइज भी कर सकता है, अपील, और ओरिजिनल जो उसका अपना केस है। हु इज द सोल गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोलिजिएट या फिर कोलिजिएट जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू द कॉलेज, ये नहीं होता है, इट्स रिलेटेड टू द कॉलेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो हमारा इतना इजी क्वेश्चंस भी आया है। जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किसका है? डेफिनेटली ब्रिटिश का है, जर्मन नहीं, अमेरिकन नहीं, फ्रेंच नहीं। लेकिन क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनमें से कोई भी कई देश है जहां से हमने कुछ चीजें या कुछ कॉन्सेप्ट उठाए हो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में? कुछ पढ़ाई आप भी कर लीजिए, ठीक है। यहां पर वेस्टमिंस्टर लिखा है मैंने, ये ब्रिटिश का जगह है जहां पे ब्रिटिश के पार्लियामेंट है। तो इस गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को ब्रिटिश फॉर्म भी बोलते हैं या फिर वेस्टमिंस्टर, तो हम भी वही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बट हालांकि वी आर यूनिक, उस पर हमें घमंड होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। 2022 एनडीए पार्ट टू के पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सामने, बहुत जल्दी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी आ जाएंगी, इंग्लिश की चलती रहेंगी। स्टे ट्यून फॉर मोर अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे आपको मिलेंगे। जुड़े रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।